ये है 15,000 mAh का पावर बैंक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट है इसकी बैटरी। तो मैं यूज करने वाला हूँ लैपटॉप की पुरानी बैटरी, इसे मैंने खरीदा है लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप से 130 rupees में। इसमें बहुत सारे लिथियम सेल निकलते हैं, इसमें से एक दो सेल खराब हो सकते हैं, तो आप इसे मल्टीमीटर के हेल्प से चेक कर लेना, बट मेरे केस में सारी लिथियम बैटरी सही निकले। तो अब बारी है इसे पावर बैंक बनाने की। तो सबसे पहले मैं बैटरी पैक बना लेता हूँ। बैटरी का एमएच बढ़ाने के लिए मैं सारे बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। एक बैटरी 2500 mAh की, अगर मैं सारे को मिला दूं तो हो जाता है 15,000 mAh। सो फाइनली सिंपल कनेक्शन हो चुके हैं। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव लेने के लिए रेड और ब्लैक वायर सोल्डर कर लेना है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर करना दोस्तों। सो फाइनली हमारा 15,000 mAh का बैटरी पैक बन चुका है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट है पावर बैंक मॉड्यूल। इसकी प्राइस है 90 rupees। अगर आपको परचेज करना है तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में इसकी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी, और इसके कनेक्शन काफी ज्यादा सिंपल है। सो फाइनली गाइस हमारा पावर बैंक बन चुका है। मॉड्यूल के 3 आउटपुट है, तो आप एक टाइम पे 2 से 3 मोबाइल इजिली रिचार्ज कर सकते हो। सो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अपने सब्सक्राइब।